नमस्ते, मैं प्रेमचंद सर। विद्या ददाति विनय, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मे ततः सुखम्। एस आर पी इंग्लिश स्कूल एंड इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड 6, चैप्टर 5, पोएम सेक्शन। एक चपाती, ये जो पोएम है ये इस नाम है एक चपाती। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक चपाती तो रमेश तेलंग ने लिखा। रमेश तेलंग जी का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 जून 1946 ईस्वी को हुआ था। रमेश तेलंग जी का रचनाएं हिंदी के नए बाल पुरन कटोले, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं आदि जो रमेश तेलंग से प्रमुख रचनाएं। रमेश तेलंग का परिचय। आप 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं। रमेश जी 1965 से ही जो हमारे देश का राष्ट्रीय दैनिक है उसमें ये लेखन का काम करते थे। इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मजेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया है। इस ये जो कविता है इसमें चपाती और बिल्ली के बीच में जो घटना घटी है उसको एक हास्य और मजेदार रूप में बताया है। एक चपाती। ताती ताती एक चपाती देती तवे पर पेट फुलाती। बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगे मैं तुझको खाऊं। यानी जो रोटी थे उसको हाथ से बनाते बनाते फिर तावे पर उसके पेट फुलाते। मीन्स जब हम लोग रोटी को फुलाते हैं तावे पे तो उसको यहाँ पे पेट फुलाना बोलते हैं। बिल्ली मौसी बोली म्याओ, भूख लगे मैं तुझको खाऊं, मुझे भूख लगी है मैं तुझको खाना चाहता हूँ। सुनकर उछली दूर चपाती। ये बात जैसे सुनी कि बिल्ली मौसी खाना चाहती है तो चपाती दूर उछली बोली, फिर आंखें मटकाती। मौसी पहले मक्खन ला, बोलती है बिल्ली से मौसी पहले मक्खन ला फिर चाहे मुझको खा जा, पहले मक्खन ला और फिर मुझे खा जा। दे चपाती थी ठंडन, बिल्ली ले आई मक्खन। उसने चपाती की बात सुन ली और बिल्ली ने मक्खन ले आया। बुलाकर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। फिर से बोलती है बिल्ली नहीं, अब तो मैं ला दिया, अब मैं तुम्हें खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती बोले फिर आंखें मर पाती। फिर जो है चपाती दूर उछली और बोली हाँ हाँ पहले दूर तो ला फिर चाहे मुझको खा जा। फिर बिल्ली को बोलती है मौसी पहले गुड़ लाओ, गुड़ मीन्स शक्कर जो हम लोग जिसका चीनी बनता है, फिर चाहे मुझको खा जाना। बिल्ली चल दी दूर लाने, फिर बिल्ली गई दूर लाने, लदी लौट कर झुंझलाने। और जब वो लौट कर आई तो थोड़ा थक गई थी, झुंझलाने लगे, म्याओ 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 करने लगे, अब मैं खाऊं अब मैं खाऊं, ऐसा वो बोल रहे थे मन ही मन में दरी चपाते। सोचा अब तो मरी चपाती, तो अब जो है चपाती वो मर जाती, मन ही मन सोच रहे थे। चिटकर बोली खा न कटी, यानी मुझे अभी खा लो। बिल्ली गुस्से में जब
बिल्ली जो है दूसरे से रोटी तो झपटी, कमरे में आते ही माँ आते है, तब तक जो है कमरे में माँ आ जाती है, बिल्ली बाजे दम दबाते, फिर जो है जैसे माँ को देखते तो बिल्ली जो है डरते भाग गए, आँख खोले चपाते मुस्कुराए माँ ने उसकी जान बचाए, और जैसे चपाती ने आँख खोली तो मुस्कुराई और जो है उसकी जान उसकी माँ ने बचाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।